एकदम सूदिंग सा साउंड है, ज़्यादा लाउड नहीं है और कोई हार्श साउंड नहीं आ रहा। एग्जॉस्ट का भी साउंड सुनो, एकदम सूदिंग सा साउंड है, तो साउंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक बाइकर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होगे, बिल्कुल सेफ होगे। तो आज खड़ी है हमारे पास पल्सर 125 नहीं 124, और ये लेटेस्ट वाला मॉडल है 2023 वाला। इसमें क्या क्या बाइक में चेंजेस किए गए हैं ये आपको इस वीडियो में पता चलेंगे। तो जल्दी से मैं कैमरे के पीछे चलता हूँ और प्रॉपर इस बाइक का रिव्यू करता हूँ, और इस बाइक का रिव्यू फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आ रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। सो भाई, ये जो बाइक का लुक है ना, इसे कोई भी नहीं भूल सकता, चाहे वो पल्सर फैन बॉय हो या TVS फैन बॉय हो। ये बिल्कुल एकदम कह सकते हो जाना पहचाना सा लुक है। सबसे पहले पल्सर इसी लुक में आई थी, इससे पहले जो गोल वाला आया था, गोल के बाद ये वाला अपडेट हो गया था। और ऑनेस्टली बताऊँ, ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है। उस बाइक की मेन खासियत है ना, ये आपको ऐसा लगेगा नहीं कि 125 cc की बाइक है। हाँ, लुक पुराना हो चुका है, बट अभी भी ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगती है। आप इसे किसी भी एंगल से देखोगे तो बाइक बिल्कुल भरी भरी सी लगती है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। आप रोड पर लेके निकल जाओगे ना, तो कोई ये नहीं बोलेगा कि 125 cc की बाइक है। इस बाइक का जो रोड प्रेजेंस है अभी भी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप में से किसी को भी ये बाइक लेनी है तो ऑनेस्टली बताऊँ भाई, अभी भी आप इसे परचेस कर सकते हो इस सेगमेंट में। ऑनेस्टली ये बाइक काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है, काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है। आगे से देखो, पीछे से देखो, पूरी भरी भरी सी लगती है। थोड़ी सी इसे थोड़ा सा कुछ अपडेट मिलना चाहिए, जैसे यहाँ पे जो लाइट है इसे LED कर देते, और ये इसके आँखें जो सुंदर सी लगती हैं, देखो सुंदर लगती हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा LED सेटअप आ गया होता ना, तो और ज़्यादा फंक्शनल हो जाता। ये नॉर्मल हैलोजन वाले इंडिकेटर है, इससे मुझे कोई बिल्कुल भी शिकायत नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं टायर से। टायर देख लो एक बार, इसका साइज़ भी चेक करा देता हूँ। जो बाइक में आपको टायर का साइज़ मिलता है 80-117 का मिल जाता है, जो कि 125 cc के हिसाब से अच्छा है। 90 होता तो थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाता। और ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं जो दिखने में अच्छे लगते हैं, वर्क भी ऑनेस्टली बताऊँ अच्छे करते हैं। उसके बाद एक चीज़ जो अच्छी लगी, यहाँ पर पूरा गार्ड दे रखा है और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और इस बाइक में आपको सिंगल डिस्क देखने को मिल जाएगा, जिस पर कोई भी ब्रांडिंग नहीं की है, बट ऊपर देखोगे तो इस पर लिखा हुआ है इंड्योरेंस के। तो कह सकते हैं इंड्योरेंस की इसमें ब्रेकिंग दे गई है। ब्रेकिंग इसकी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले जो 150 वगैरह आती थी ना, उसमें डुअल हॉर्न देखने को मिल जाता था, बट इसमें आपको केवल सिंगल हॉर्न मिलेगा। ये थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग कर दी गई है। बाकी इसका जो मेन अटेंशन है वो टैंक, इसके में 15 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है भाई, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त है। एक बार इसमें पेट्रोल डलाओ और भूल जाओ एक दो हफ्ते आराम से। उसके बाद जो इसका मीटर है, टाइम टाइम पे इसमें छोटे मोटे अपडेट किए गए हैं, बट अभी भी देखो ऑनेस्टली मुझे तो ये अच्छा लगता है। बस इसमें गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर होता ना, तभी और ज़्यादा अच्छी हो जाती। बाकी लो बैटरी बताता है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ, मतलब साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर दे रखा है, तो ये काफ़ी अच्छी है कि गियर में बाइक होगी तो स्टार्ट नहीं होगी। उसके बाद इसमें क्लिप ऑन हैंडल बार्स आपको देखने को मिल जाते हैं, और ऑनेस्टली ये काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल होते हैं, आपको ज़्यादा झुकना नहीं पड़ता, तो ये काफ़ी अच्छा है कि आप इसे आराम से लॉन्ग राइड पे लेके जा सकते हो। प्लस थोड़े से कंफर्टेबल भी हैं, थोड़े से क्या, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। उसके बाद इसमें साइड में आपको लेग गार्ड देखने को मिल जाएगा, और ये 124 cc की किस लिए, ये बता दूं आपको, 124 cc के इसलिए ना कि अगर 125 cc होती तो कंपनी को इसमें ABS देना पड़ता, तो कंपनियाँ क्या करती हैं, 124 cc की करती हैं, जिससे वो ABS देने से बच जाती हैं। और जो मेन अपडेट हुआ है इस बाइक में, ये चेक कर लो, स्टीकर मिल जाएगा, और कभी कभी क्या होता है भाई, स्टीकर निकल जाता है। इसमें E20 आ चुका है, E20 मतलब 20% इथेनॉल 80% पेट्रोल। बाइक में आपको 5-speed का गियर बॉक्स देखने को मिल जाएगा, और इसमें देखो ये फैमिली पर्पज़ के लिए बाइक बनाई गई है, तो इसमें आगे और पीछे दोनों साइड दे रखे हैं, इससे क्या होगा आपके शूज़ नहीं ख़राब होंगे। इसमें सेंट्रल स्टैंड आता है और साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और जहाँ तक मुझे पता है, अगर सेंट्रल स्टैंड में रहेगी तो बाइक स्टार्ट हो जाती है। और इसमें लेडीज़ फुटरेस्ट भी आता है, तो इसमें काम भर की जितनी चीज़ें ना सब मिल जाती हैं। माइलेज मिल जाएगा, पावर मिल जाएगी, और एक बेहतरीन लुक मिल जाएगा। मतलब इतनी ज़्यादा बड़ी है ना, NS20 के सामने खड़ी कर दो तो NS छोटी लगने लगी कहीं ना कहीं। आप लोग ध्यान से देखो, लगता ही नहीं कि 125 cc की बाइक है। उसके बाद स्प्लिट सीट देखने को मिल जाएगा, और सीट इसकी इतनी बड़ी है ना, इस पर आराम से 3 लोग भी बैठ सकते हैं, एकदम आराम से तो नहीं लेकिन 3 बैठ सकते, क्योंकि मूव करने के लिए स्पेस बहुत ज़्यादा है इस बाइक में। सोचो टैंक पेड कंपनी खुद लगा के दे रही है, पल्सर की 3D बैजिंग हो रखी है, और ये थोड़ा सा ब्लैक टाइप वाला क्रोम है। तो ऑनेस्टली सीट भी इसकी काफ़ी अच्छी है, और ये पीछे वाली सीट है ना, देखो उठी भी नहीं है ज़्यादा, और यहाँ पे ग्रैबरल दे रखा है। और एक चीज़ जो काफ़ी लोग डिमांड करते हैं बाइक में होने का, भाई ये देखो आपको ये मिल जाती है इसमें किक। तो कभी भी बैटरी ख़राब हो गई, सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रही, तो किक का यूज़ कर सकते हो। एक बार स्विचेस वगैरह दिखा दूँ,
लाइट ऑन ऑफ का स्विच देना चाहिए, ये मेजर मिसिंग मुझे लगता है, हमेशा बताता हूँ जिस बाइक में नहीं होती है। इससे क्या होता है आपकी बैटरी सेव हो जाती है, बट यहाँ पे एक चीज़ है, ये सब स्विचेज जितने भी है ना ये जलेंगे। साउंड इसका लास्ट में सुना दूंगा, साइड में आपको दिखाता हूँ, दोनों साइड सॉकर मिल जाती है, इसकी वजह से ना ये और भारी भारी लगती है। और पूरा ये जो आपका एग्जॉस्ट है ये ब्लैक कर रखा है, ऊपर वाले की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, फुट ट्रेस वगैरह जैसे पहले आती थी ऑलमोस्ट सब कुछ वैसी, बाइक ऑलमोस्ट वैसी है, बस E20 का अपडेट हुआ है। पीछे से लुक इसका काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है, आप लोग देखो ये LED टेल लाइट, ये बड़े बड़े इंडिकेटर, उसके बाद ये जो शेप आता है ना, ऑनेस्टली मुझे तो अच्छा लगता है भाई। उसके बाद एक बार टायर चेक करा देता हूँ, 190/17 सेक्शन का टायर मिल जाता है, 110 होता तो और अच्छा था, बट टायर पतला है तो इससे क्या होगा आपको माइलेज और अच्छा मिल जाएगा। इसको आप आराम से चलाओगे ना 65 का तो कहीं नहीं गया, आराम से इसे 60-65 का माइलेज निकाल सकते हो आराम से चलाने पे। तो एकदम प्रॉपर फैमिली बाइक है, स्पोर्ट के साथ फैमिली बाइक कह सकते हो। लेडीज़ को भी मुझे नहीं लगता इसमें बैठने में कोई प्रॉब्लम हुई, क्योंकि इसकी जो पीछे वाली सीट है ना वो ज़्यादा ऊँची नहीं है, तो लेडीज़ को भी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। बाकी ओवरऑल प्राइस की बात करूँ तो एक बार इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो बता देता हूँ, लखनऊ में 110,000। तो 110,000 के हिसाब से देखो ना तो भाई आपको कौन कौन सी बाइक इस रेंज में आ जाती हैं, TVS की रेडर आ जाती है, हो सकता है भाई इसमें थोड़ी सी फीचर ज़्यादा मिल जाए, होंडा की SP125 आ जाती है। तो ये ऑलमोस्ट इसी कैटेगरी की बाइक है, बट अगर कहीं ना कहीं देखें अगर आप फीचर्स को साइड कर दो, थोड़ा सा लुक की बात करो, बिग बाइक फील की बात करो, तो ये थोड़ा सा साइन कर जाती है उस चीज़ में। फीचर्स थोड़े से कम है बट भाई जो इस बाइक का लुक है ना वो अभी भी अच्छा लगता है, रोड प्रेजेंस की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। हाँ थोड़े से चेंजेस करने चाहिए जो मिसिंग है, बट ओवरऑल बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एक बार इसका इंजन साउंड भी आप लोगों को मैं सुना देता हूँ, बाइक स्टार्ट करके आपको साउंड सुना देता हूँ। आई होप बस बाइक में पेट्रोल हो, बाइक देखो न्यूट्रल में है, तो ये सब चीज़ें काम भर के इसमें दी गई हैं, गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर नहीं है तो चलो ये चीज़ दे रखी है। एक बार स्टार्ट करते हैं तो भाई साउंड देखो एकदम सूदिंग सा साउंड है, ज़्यादा लाउड नहीं है और कोई हार्श साउंड नहीं आ रहा। एग्जॉस्ट का भी साउंड सुनो, एकदम सूदिंग सा साउंड है, तो साउंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये देखो तो साउंड इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। प्लस यहाँ पे स्विचेस पे जो लाइट जलती है वो काफ़ी ज़्यादा दिखने में अच्छी लगती हैं। ये जो मीटर है ना भाई यहाँ पे हल्का सा वाइट, ये येलो, तो दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको वो मीटर कैसा लग रहा है, मुझे तो अभी भी अच्छा लगता है, बाइक भी दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। बाइक में आपको 124cc का इंजन, साथ ही में 12 PS की पावर और 11 Nm का टॉर्क मिल जाएगा। तो बॉडी टू वेट रेशियो के हिसाब से कैलकुलेट करोगे ना तो पावर आपको बिल्कुल भी कम नहीं लगेगी इस सेगमेंट के हिसाब से और सीसी के हिसाब से। बाइक में एक चीज़ नोटिस करो आप लोग, स्टिकरिंग वगैरह कितनी प्यारी लग रही है और रेड पे ब्लैक का ये कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा, बट ब्लैक होने की वजह से थोड़ा सी मेंटेनेंस आपकी बढ़ जाएगी, अच्छे से आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा तभी ज़्यादा सुंदर लगेगी। और एक जो मेजर मिसिंग है भाई वो ABS का, ऐसा ऑप्शनल ABS देना ही चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ऐसा ऑप्शन दे दो। और बाइक इस वाली में ना C8 के टायर मिलते हैं तो टायर वगैरह तो चेंज होते रहते हैं, ये नॉर्मल सी चीज़ें, बट वही ABS का ऑप्शन आ जाए ना तो कहीं ना कहीं भाई एकदम परफेक्ट ये वैल्यू फॉर मनी बाइक हो जाएगी, एकदम बिग फील के साथ आपको फीचर्स भी मिल जाएंगे मेन जो चाहिए। सो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे दी है मैंने, अगर कुछ भी मिस है तो प्लीज़ कमेंट करना। और एक चीज़ जो बताना भूल गया था, जो बाइक का बॉडी वेट है ना वो अप्रॉक्स 141-142 kg के आसपास है, तो बॉडी वेट भी इसका ज़्यादा नहीं है, तो काफ़ी अच्छी बाइक है, इससे माइलेज भी आप अच्छा निकाल सकते हो, एकदम फैमिली बाइक है। सो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लिविंग एंड कीप सपोर्टिंग।